बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ कोरमा भिंडी। और कोरमा भिंडी के लिए मैं पहले सबसे भिंडी को फ्राई कर रही हूँ, जो मैं सरसों के तेल में फ्राई कर रही हूँ। पहले सबसे इसको फ्राई करूँगी और इसके बाद फिर बताऊँगी कि बाकी कैसे कोरमा बनेगा। भिंडी को तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसकी ये लेस ना ख़त्म हो जाए जो इसके अंदर होती है भिंडी की लेस। ये देखो अभी है इसकी लेस, थोड़ा सा और फ्राई करूँगी। भिंडी हमारी फ्राई हो गई है, मैं इसको निकाल लूँगी और ऑयल साइड पे कर लूँगी। इसको किसी दूसरे बर्तन में निकाल दी होगी। अब कोरमा भिंडी के लिए कोरमा तैयार करूंगी और इसमें ऑयल जो है वो भिंडी वाला ही बचा हुआ कढ़ाई में, इसी में ये प्याज फ्राई करूंगी और ये साथ हरा लहसुन एक गंडी मैंने काट ली है, प्याज चार लिए हैं, उनको लंबाई में काट लें या दूसरी तरह काट लें, मैंने लंबाई में काटे हैं और ये डाल दूंगी। भिंडी में थोड़े प्याज ज़्यादा ही डलते हैं, अब इनको फ्राई करूँगी। प्याज फ्राई हो गए हैं, बस थोड़े से फ्राई करने हैं। अब इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी। टमाटर मैंने 3 अदद लिए और उनको इस तरह काट लिया, ये डाल दूँगी। थोड़ा सा इनको फ्राई करूँगी ये गल जाए। साथ ही मैं मसाले डाल दूँगी, ये 4 मसाले जो बेसिक सब सालन में पड़ते हैं, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और धनिया। ये मिर्च और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दें। थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको भून लूँगी और अब मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। कोरमा भिंडी मैं चिकन से बना रही हूँ, आप चाहे तो बीफ या मटन से भी बना सकते हैं, लेकिन बीफ या मटन को पहले बनाना पड़ेगा। अब मैं चिकन डाल दूँगी। अब मैं इसमें 1 कप पानी डाल दूंगी और इसको ढककर गला लूंगी। ये चिकन और ये प्याज टमाटर गल जाएंगे और कोरमा तैयार हो जाएगा। जब ये 10-15 मिनट में गल जाएगा, चिकन का कोरमा तैयार हो गया। इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ डाल दूंगी, ये देखें, ये इसी से कोरमे का फ्लेवर आएगा। अब ग्रेवी तैयार है, इसमें मैं भिंडियां डाल दूंगी। ग्रेवी में मैंने ऑयल बहुत कम डाला है कि भिंडियों में बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई की हुई है। अब भिंडियां डाल दूंगी। ये देखिए इसमें से कितना ऑयल निकल रहा है, ये सारा अब सालन में जाएगा। इंशाल्लाह बहुत शानदार कोरमा भिंडी बनकर तैयार होगा। अब इसको हिला लूँगी। भिंडी को मैंने कोरमे में मिक्स कर दिया। अब इसमें ये हरी मिर्चें, 7-8 हरी मिर्च मैंने लंबाई में कट लगा लिए हैं और ये 4-5 को मैंने चॉप कर लिया है। अब ये डाल दूंगी। अब इनको मिक्स करती हूँ और पकाती हूँ।
कोरमा भिंडी बनकर तैयार है। ये देखें भिंडी ने ऑयल छोड़ दिया और पानी इसका खुश्क हो गया। गोश्त और भिंडी पहले ऑलरेडी गली हुई थी तो ये अब पक गई है। अभी इसी रेसिपी से भिंडी कोरमा बनाएं और मज़े से खाएं। मैं आज इसके साथ तंदूर वाली रोटी पका रही हूँ और अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ।